हेलो व्यूअर्स, आफ्टर डिस्कसिंग एंड गिविंग लेक्चर ऑन फंक्शन मनी, व्हाट इज मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी इन प्रीवियस लेक्चर, आई कम विथ ए रिलेटेड टॉपिक्स, दैट मीन्स सप्लाई ऑफ मनी, बिकॉज टू टॉपिक्स आज कोरिलेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच अदर. सो हम लोग को दोनों टॉपिक्स के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, तब दोनों पे अंडरस्टैंड हम लोग कर सकते हैं. तो ये भी जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है जो BA पार्ट टू ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए ये भी है, और इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी, मनी का सप्लाई क्या है. मनी का सप्लाई इसमें हम पढ़ेंगे जो मनी सप्लाई के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो होल मनी, ऑल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, एनी कंट्री सप्लाई देयर ऑल मनी इन एन इकोनॉमी इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी. कहने का मतलब यह हो गया कि किसी भी कंट्री के द्वारा वो मनी का सप्लाई पूरे जो इकोनॉमी में जो करता है, पूरे इकोनॉमी में जो मनी उसका है, उसे हम उसको उस कंट्री का टोटल मनी सप्लाई बोलते हैं, टोटल मनी सप्लाई बोलते हैं. यह मनी जो है, जो सप्लाई जो है, सो बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, बहुत जगह उसके पास इन्वेस्ट हो सकता है. तो उसके बारे में हम जाते हैं कि फॉर्म कैसा कैसा हो सकता है सप्लाई ऑफ मनी का. तो सिंस 1977 RBI categorize money, supply of money and published in their periodic bulletin related to supply of money in four form, that means this form is, this form is below. क्या हो सकता है काउंट किया, जिसमें है M1, M2, M3 and M4. इस चार फॉर्म में मनी का सप्लाई इन्होंने 1977 से RBI कैटेगराइज किया अपने मनी सप्लाई को, कि जब वो मनी को सप्लाई जब करता है तो वह इस मनी का सप्लाई किस फॉर्म में करेगा. तो इसने अलग अलग बताया फॉर्म, कि हम अलग अलग चार कैटेगरी में मनी सप्लाई का फॉर्म करेंगे, और यह जो चार जो कैटेगरी है वो लिक्विडिटी पे डिपेंड है. लिक्विडिटी मीन्स रेडी टू मनी, दैट मीन्स नेरो मनी, ब्रॉड मनी, इस तरह के फॉर्म में इन्होंने बताया कि इस तरह से फॉर्म होता है. मनी को हर एक जगह कहाँ कहाँ हम रखे हुए हैं, लेकिन मनी का जो सप्लाई है, लिक्विडिटी है, यानी हिंदी में उसको जो हम तरलता कहते हैं, उस मनी उस फॉर्म में किसमें ज़्यादा है, M1 में है, M2 में है, M3 है, M4 में है, और किसमें कम है. ये जो है वो अपने 1977 के RBI ने स्टार्ट किया कैटेगराइज करना अपने पीरियोडिक बुलेटिन में, और तब से लेकर अब तक इन इंडिया सप्लाई ऑफ मनी इन फोर फॉर्म. बट आई गिव एग्जांपल टू द फॉरेन कंट्री, दैट मीन्स ए वेरी रिच कंट्री और डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, वन इज सप्लाई ऑफ मनी इन ओनली टू फॉर्म, दैट मीन्स M1 एंड M2. बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आई डिस्कस अबाउट द सप्लाई ऑफ मनी चेन इन इंडिया, सो वन बाय वन आई डिस्कस M1, व्हाट इज M1, M2 एंड M3 फॉर्म ऑफ मनी.
हम यहाँ पर ये लेके चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे है। कैसे है तो सबसे पहले हम M1 क्या है, M1 का जो फॉर्म होता है, M1 में जो आता है CC प्लस DD प्लस OD। अब हम इसे डिस्कस करेंगे कि CC क्या है। CC मीन्स करेंसी इन क्वाइंस, इसे भी हम बोलते हैं करेंसी इन क्वाइंस। कभी कभी और हम इसको बोलते हैं करेंसी इन हैंड ऑफ पब्लिक के पास में है। इसके बारे में पढ़ते हैं। DD क्या है मेरा, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या हो सकता है। डिमांड डिपॉजिट को हम करेंट अकाउंट के रूप में हम कर सकते हैं, करेंट अकाउंट के भी हम फॉर्म में हम इसको रखेंगे डिमांड डिपॉजिट का। अदर डिपॉजिट में क्या है, ट्रेवलर चेक को हम रख सकते हैं ओडी में, माने कि अदर डिपॉजिट में। अब हम यहां पर देखते हैं सीसी के बारे में हम देख लिए, लेकिन हम इसे अच्छा तरह से डिस्कस कर लेते हैं। जो पैसा पब्लिक के हैंड में है, पब्लिक के पास में है करेंसी के रूप में, वो हमें M1 के रूप में कैटेगराइज करते हैं M1 की, M1 का जो कहने का मतलब M1 का ही इंग्रेडिएंट हो गया, कंपोजिशन हो गया। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट, DD डिमांड डिपॉजिट, यानी कि करेंट अकाउंट में जितना पैसा है वो भी M1 के फॉर्म में आएगा और इसे डिमांड डिपॉजिट के रूप में ये रहता है। अब यहाँ पर कोई बोलना देखना चाहेंगे कि इसे सेविंग अकाउंट के रूप में भी रख सकते हैं। नो, सेविंग अकाउंट में इज सम लिमिटेशन ऑन विड्रॉवल टर्म, विड्रॉवल सम रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल एंड व्हाट अमाउंट ऑफ मनी यू डिपॉजिट इन सेविंग, ये सब सारे चीज उसमें रिस्ट्रिक्शन है जिसके कारण उसे हम डिमांड डिपॉजिट के DD में नहीं रख सकते हैं। उसमें दोनों तरह का मिला हुआ है, थोड़ा सा टर्म भी है, टर्म रिस्ट्रिक्शन है और मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन कुछ यहाँ पर होता है, ये सब सारे चीज को यहाँ पर है इसमें। फिर यहाँ पर क्या है, ट्रेवलर चेक उससे जारी किया जाता है, खास करके जो बिजनेस क्लासेस होते हैं ये सब ट्रेवलर चेक लेकर यहाँ पर जाते हैं और ये सारे चीजों को इसमें यहाँ पर देखा जाता है। तो ये हम क्या, हमारा क्या फॉर्म था, M1 का था, CC प्लस DD प्लस OD, ये हमारा एक फॉर्म हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं M1 के बाद में M1 हो गया, इसे हम नैरो मनी भी बोलते हैं, हम इसे बता दें नैरो मनी और इसे मोस्ट लिक्विड भी बोलते हैं, मोस्ट लिक्विड फॉर्म, बहुत ही तरल होता है ये, जब चाहे पब्लिक इसे कैश कर सकता है, इस तरह का होता है। फिर हमारा जो है नेक्स्ट है M2 में क्या हो सकता है, M1 के सारे को हम लेकर रख लेते हैं, M1 का जितना कंपोजिशन है इसको हम रख लेते हैं और इस पे क्या है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को हम लेकर रख लेते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में क्या सकता है कि 90 डेज डिपॉजिट, 1 to 90 डेज डिपॉजिट को हम इसमें शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में रख सकते हैं और M1 का सारे कंपोजिशन को, यानी कि इस चीज को, इसको भी रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, रखेंगे ही रख सकते हैं क्या, ये सब सारे चीज को M1 में ये आ गया। तो ये हमारा हो गया M2 का ये फॉर्म हमारा हो गया कि M2 में क्या क्या हम रखेंगे। फिर हमारा है यहाँ पर है M3 M2 प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट
लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। कहने का मतलब जब M2 हम यूज किए तो M1 और M2 इसमें दोनों जुड़ गया, M3 के रूप में, M3 का जब हम किए यहां पर चर्चा, तो M2 यहां पर आया, यानी कि M2 में M1 भी जुड़ा हुआ है, यानी CC, DD और OD, कहने का मतलब करेंसी इन हैंड ऑफ पब्लिक्स, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, ये तीन यहाँ पर मिला हुआ है, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ये भी यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये सारे चीज यहाँ पर M1 भी इस पे मिले हुए हैं और ये भी यहाँ पर मिले हुए हैं, दोनों मिलकर M2 बना। और यहाँ पर और उसके बाद एक और जो एडिशन इसमें जो हुआ, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दैट मीन्स मोर देन 90 डेज को इसमें हम रख सकते हैं, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, ये सब सारे चीज को रख सकते हैं। और ये सरेंडर करने पर इसे अगर हम इसे विड्रॉ करना चाहे तो आफ्टर सरेंडरिंग सम अमाउंट कंपनी और बैंक अलाउड टू विड्रॉ देयर मनी आफ्टर सरेंडर देयर इन द फॉर्म ऑफ फाइन, ये सब सारे चीज को हम कर सकते हैं। जैसे LIC वगैरह का हो गया तो उसमें अगर हम कोई मनी को हम अगर विड्रॉ करना चाहते हैं अपने पॉलिसी को तो उसमें कुछ सरेंडर करके देना पड़ता है, या फिर बैंक में किसी को हम डिपॉजिट कर देते हैं तो उसे सरेंडर करके हमें कुछ वैल्यू सरेंडर करके हमें उसे वापस ले सकते हैं। ये सब सारे चीज ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में आता है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में भी वही होता है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है, और इसमें भी अगर उस बीच में हम अगर लेना चाहे मनी को तो कुछ सरेंडर वैल्यू हमें उसे देकर उसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट में जो है जो मेरा है जो है वो है M4 दैट मींस M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट एंड अदर टर्म डिपॉजिट। यहां पर है क्या कि अब M4 का है, M4 में अब क्या क्या इसमें आ गया, M4 में वह आ जाएगा M3 डेट मीन्स M1 M2 M3 का जो भी इसमें कंपोजिशन है सारा M4 में आ जाएगा, प्लस एक और क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। एक ही बहुत ही क्या होता है कि इसमें अगर आप कोई पॉलिसी या फिर किसी टर्म डिपॉजिट में या फिर किसी इन्वेस्टमेंट में अगर आप इसमें पैसा अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो आपका एक आफ्टर मैच्योरिटी डेट पर ही आपको ड्यू डेट पर ही ये आपको विड्रॉ करने का परमिशन देता है। बिफोर ड्यू डेट दे कांट अलाउ टू विड्रॉ देयर मनी। और कुछ केसेस में तो ऐसे होते हैं कि सरेंडर करने पर भी इसे नहीं मिलता है, तो ये इसको हम ये हमारा जो है जो पोस्ट ऑफिस सेविंग का यहाँ पर हो गया, और इसे ब्रॉड मनी के रूप में जानते हैं, ब्रॉड मनी फॉर्म का रूप में हम इसे जानते हैं। ये हमारा देखते हैं ये हमारा है। तो यहाँ पर ये सब सारे चीजों का था, तो यहाँ पर ये जो हो गया सबसे नेरो हो गया, ये सबसे नेरो हो गया, फिर यहाँ से धीरे धीरे चलते आया, उससे कम नेरो M2, उससे कम नेरो M3, और सबसे जो कम नेरो है M4, और इससे जाएगा तो ब्रॉडली ये है हमारा सबसे ब्रॉड है, ये है और इसी तरह से चेक करते हुए इस तरह का जाता है। तो ये हमारा सप्लाई चेन है मनी, सप्लाई ऑफ मनी का हमारा ये फॉर्म है। अक्सर हाँ एग्जामिनेशन में दिस टॉपिक्स इज वेरी बेनिफिशियल इन शॉर्ट नोट्स, मेनी एग्जाम इन डिग्री एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन आस्क इन द शॉर्ट नोट्स, और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, और अगर इस तरह का हम इक्वेशन बना के सब सारे चीज़ों को हम कर सकते हैं तो वहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हैं। तो ये सब सारे चीज़ हमारा क्या था, सप्लाई ऑफ मनी का था, जो सप्लाई ऑफ मनी को हम यहाँ पर बहुत क्लियरली डिस्कस कर लिए, और मोस्ट लिक्विड फॉर्म क्या होता है, नेरो मनी क्या होता है, ये सब सारे चीज़ को हम कर सकते। अब
ये हमारा टॉपिक्स जो है, जो मनी से रिलेटेड टॉपिक जो है, जो हमारा टू लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर भी हम मनी पर ही दिए थे, फंक्शन ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी है। सो होप दिस टॉपिक्स इज वेरी बेनिफिशियल इन कमिंग एग्जामिनेशन फॉर बीए पार्ट टू इकोनॉमिक्स ऑनर्स। सो थैंक्स ऑफ।